Assalamu alaikum. This is Zara Yaz, and you're watching my YouTube channel Zara's Daily Life Cooking. So, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्जी. तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की दो प्याज को स्लाइस कर लिया है और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसमें जीरा ऐड करेंगे. यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है. हमने टोटली पूरा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट लाइट सा. हमने जब इसके कॉर्नर्स से गोल्डन होने लग जाएंगे तो फिर हमने इसमें जो है ज़ीरा ऐड करना है और ज़ीरे को हम अच्छे से सौते कर लेंगे, ठीक है. और फिर हम इसमें जो है टोमेटो ऐड करेंगे, ठीक है. और यहाँ से मैंने दो से तीन जो है मीडियम साइज़ के जो है टोमेटो लेकर उसको कट कर लिया था और ये एक बीच में जो है ये रह चुका है जो कि मुझे नज़र नहीं आया था. तो ये हमने इसको अच्छे से गलने देना है. यहाँ पे हमने टमाटर को अच्छे से जो है वो गला लेना है. जब सॉफ़्ट होंगे तो फिर हम इसको मैश कर लेंगे. साथ ही मैंने हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है. आप लोग चाहें तो एंड में भी इसको कट करके ऐड कर सकते हैं, पर मैंने अभी डाला है कि अच्छा टेस्ट आ जाएगा. यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे. कुटी हुई मिर्च मैंने ऐड करी है, पिसी हुई मिर्च ऐड करी है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा, हल्दी जाएगी और नमक. इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, ठीक है. और जो है इसको दम पे रख देंगे. इसको हम गलने के लिए रख देंगे. अब यहाँ पे हमारे जो है टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं और यहाँ पे हमने कट करके जो है वो लौकी रखी हुई थी तो हमने इसको मिक्स कर दिया है. और हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे. तो जब तक इसमें आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक पानी डालिएगा. तो चलें देखते हैं. यहाँ पे हमने इसको गलने के लिए रख दिया तो ये देखें रोगन ऊपर आ गया है, ठीक है. और तकरीबन लौकी हमारी रेडी हो चुकी है, गल चुकी है. तो हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे. अब हम सर्व करके दिखाते हैं. तो यहाँ पे हमने इसको डिश आउट कर लिया है. ये देखें आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है, लौकी की सब्ज़ी, लौकी की भुजिया. आप इसको सैलड के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, या इसको समटाइम्स हम लोग चटनी के साथ भी खाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगती है. इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी रेसिपी को ट्राई करें, ट्राई करते रहें और मुझे फ़ीडबैक देते रहें. और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक हर किसी की परेशानी को दूर रखें. अल्लाह हाफ़िज़.